बजट 2023-24 भी पेश हो चुका है और आवाम के लिए अब मजीद परेशानियां दिखाई दे रही हैं। बजट के बाद कमी आ रही है किसी चीज में, कीमतों में नहीं, उल्टा महंगी हो गई है चीजें तो और भी। उधर ये चीनी, उधर ये हर चीज उधर ही पड़ी हुई, इंसान क्या करे। अब तो दो वक्त की रोटी के लिए भी मजबूर हो जाता है इंसान, बाहर निकले तो क्या करे आप बताए मुझे। आप जो किराए पे रहता है वो बिजली का बिल भरेगा, गैस के मसले हैं, बीवी बच्चे वाला है, बीमारी है, हर चीज है यार, इस चीज का कौन करेगा। सरकारी मुलाजिम है तो उसको 35,000 रुपए तनख्वाह कर दी, 50,000 कर दी, जो प्राइवेट है उनका क्या करेंगे। ग्राहक महंगा खरीद के भी खुश नहीं है और आप महंगा बेच के भी खुश नहीं है। मटेरियल काफी महंगा हो गया है और परचेसिंग पावर नहीं है कस्टमर की। कोई चीज दुनिया में महंगी नहीं होती, सिस्टम महंगा हो गया है। हालिया बजट आपने देखा कि उनके पास जेब में मूंगफली खाने के पैसे नहीं, कौम को ख्वाब बादाम के दिखा रहे हैं। 8 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला हो चुका है, उस पर आपका ताजिर बिरादरी की नुमाइंदगी करते हुए क्या मौकफ है। वो बंद करवा सकेंगे तो करवा लें, हम दुकानें खोल सकेंगे तो खोल लेंगे। मार्केटें दुकानें ये बंदिश से बिजली बच सकती तो जिस दिन छुट्टी का दिन होता है सारा शहर बंद होता है, उस दिन लोड शेडिंग क्यों होती है। हमारे यहाँ मार्केट में जो कारोबार जो वो सारे शाम शुरू होता है, कस्टमर ही वैसे ही जो है शाम में आते हैं और उसके बाद जो है वो तकरीबन कोई 5-6 बजे के बाद जो है थोड़ी रौनक बढ़ती है, तो 8 बजे कैसे बंद कर देते हैं। देखिए प्रोग्राम आवाज हर हफ्ते की शाम 7 बजे सिर्फ आज न्यूज़ पर।